Now the first problem is here. R is given. R is given here. A, B, C, D, E, F. Six attributes are given and functional dependencies is given here. A, B tends to C and C tends to D and B tends to A, E. ये हमारे पास functional dependencies given है और ये हमारा relation है. Now find out the CK and as well as the super key also. CK मतलब candidate की हमें find out करनी है. तो what I will do here, first हमें यहाँ पर एक draw करना है. A, B, C, D, E, F. हमने यहाँ पे six attribute को draw कर लिया. Now इन दोनों का जो combination है, A, B जो है C को produce कर रहा है, तो arrow जो होगा C के पास जाएगा. इसी तरह से C जो है वो D को produce कर रहा है, तो arrow D पे आएगा. Now B जो है वो किसे किसे कर रहा है, एक तो A को produce कर रहा है, साथ ही साथ A, E को कर रहा है. तो that means B is producing A and E, तो arrow यहाँ पर A and E के पास आ गया. Now हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किन किन एट्रीब्यूट्स के पास एजेस नहीं है, इनकमिंग एजेस नहीं है. तो वन आई एम गेटिंग दिस ईयर वन बी, द नेक्स्ट सी नहीं हो सकता, सी के पास डी भी, और नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास एफ आ गया. तो नाउ यू कैन से व्हाट इज द एसेंशियल एट्रीब्यूट, दिस इज टू फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट. ना एसेंशियल एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या होगा, दिस वन इज द हियर बी एंड एफ. हमारे पास दो एसेंशियल एट्रीब्यूट आ गया. जब भी हमारे को एसेंशियल एट्रीब्यूट मिलेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम बी और एफ से ट्राई करेंगे इसका क्लोजर निकालने के लिए, और किसी एट्रीब्यूट को ट्राई ही नहीं करेंगे विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द राइट साइड, फर्स्ट ट्राई फॉर दैट. दैट मीन्स यहाँ पे बी और F का अगर हम क्लोजर निकालें तो वॉट आई विल गेट, मिनिमम हमें बी एफ तो मिलेगा. अब हम यहाँ से देखेंगे B क्या प्रोड्यूस कर रहा है A एंड E को, तो हमने B के साथ किसे रख लिया, A और E. F तो ऑलरेडी है, F आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या B A E F आ गया. नाउ अब हम यहाँ पर देखें कि हमारा A B आ गया, A B का कॉम्बिनेशन हमें C दे देगा, तो दैट मीन्स A B C E F आ गया. नाउ सी हमें क्या दे देगा, डी दे देगा, तो हम यहाँ पे सी से क्या ले सकते, ए बी सी डी ई एफ. तो आप देख रहे हैं कि इसकी मदद से हमें आर मिल गया, आर में सिक्स एट्रीब्यूट हैं, तो हमारे पास सिक्स एट्रीब्यूट आ गया. दैट मीन्स दिस एक्टिंग एज अ वॉट हियर यू कैन से, हमारे पास अगर ये आ गया तो हम कहेंगे दिस इज एक्टिंग एज अ की. की क्या होती है, वो क्लोजर होगा एट्रीब्यूट्स का जिससे हम आर को रिट्रीव कर सकते हैं. अब हमारे पास अगर यहाँ पर जो हमने एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से जो हमने निकाला बी एफ का क्लोजर, नाउ वी आर गेटिंग द आर, तो वी कैन से दिस वन इज, दिस की इज एक्टिंग एज अ कैंडिडेट की ऑल्सो. कैंडिडेट की अब यहाँ पर कितनी पॉसिबल है, केवल एक पॉसिबल होगी. वेन एवर यू गेट द कैंडिडेट की विद द हेल्प ऑफ द एसेंशियल एट्रीब्यूट, वॉट एवर एसेंशियल एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट इन दिस प्रॉब्लम, विद द हेल्प ऑफ दीज टू एट्रीब्यूट्स इफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर, देन देर इज अ नो नीड टू कैलकुलेट द अनदर कैंडिडेट की, बिकॉज मिनिमम आपका ये बी एफ तो होगा ही होगा. इसके बाद जो भी आप निकालेंगे दैट विल बी द सुपर की. तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से अगर हमें मिल गया तो हम फिर नहीं निकालते. समटाइम्स वी आर नॉट गेटिंग द की एट्रीब्यूट विद द हेल्प ऑफ एसेंशियल एट्रीब्यूट, देन वी आर टेकिंग द नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से, और एसेंशियल एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से फिर हम वहाँ पर चेक करते हैं. दैट विल बी द लेंथी प्रोसेस. बट अगर आपको ये मिल गया तो आगे आपको, तो आप ये कहेंगे कि ओनली वन सी के इज पॉसिबल हियर, ओनली वन सी के इज पॉसिबल हियर. तो अब हमारे पास एक सी के आ गया. नाउ इफ आई आस्क की हाउ मैनी सुपर कीज आर देयर, तो सुपर कीज के लिए क्या होगी, आपके पास यहाँ पे टोटल कितने स्पेस हैं, सिक्स. सिक्स में से आपका कितना आ गया यहाँ पर, दैट मीन्स बी और एफ तो हमारा फिक्स हो गया,
दो प्लेस हमारे फिक्स हो गए, तो रिमेनिंग कितने प्लेसेस बचे? चार प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर n-2, क्योंकि दो प्लेस तो फिक्स है, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, दैट इज़ अ 6-2, इट विल बी 2 की पावर 4, और यू कैन से 16 सुपर कीज आर द पॉसिबल हियर। और उस सुपर की में जो पहला सुपर की होगा वो होगा bf, खुद ही होगा। उसके बाद आप bf के साथ किसे ऐड करोगे? मान लीजिए आपने a ले लिया, a के बाद आप c ले सकते हैं, c के बाद आप d ले सकते हैं, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाते चले जाओगे। d ले लिया, c ले लिया, इस तरह से आप यहाँ पे, तो पहले तीन के, दो के कॉम्बिनेशन में एक आया, 3 के कॉम्बिनेशन पे आप बना लीजिए, फिर 4 के कॉम्बिनेशन से बनेगी, फिर 5 के कॉम्बिनेशन से, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 2 की पावर 6-2, दैट विल बी द, और डायरेक्टली अगर आप देखें तो दो पॉसिबिलिटी इसकी, दो इसकी, दो इसकी और दो इसकी, तो दैट इज नथिंग बट द, यहाँ पे 16 आ गया आपका। फॉर दिस क्वेश्चन द सुपर नंबर ऑफ सुपर कीज इज नथिंग बट द 16 हियर। नाउ ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट वन विच आई एम गिविंग हियर।